हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, टाइम रहा है 4:15 यानी कि 3:30 भाई था 16 मिनट। और भाई मैं जस्ट अभी काम कर रहा था समर एक्सपेरिमेंट का। हाँ भाई, टेबल मैंने यहाँ पर रख लिया गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेंज करते रहता हूँ, आपको पता है, मैं जानता हूँ। Yeah, तो आज गाइस बच्चा है, आज बच्चा क्या लाए हो, ये बच्चा पार्टी है। बच्चे तेरी ये भाई साहब सीधा जहाँ करे हम काम कर रहे हैं और सीधा भाई साहब बाहर जा कर, लेकिन भाई बच्चा काफी समझदार है, ये तुरंत वापस लौट गया फिर बाहर खड़ा हो गया। खैर, क्या माल पानी लाए, स्पीकर और अबे भाई तो पूरा सामान। अबे भाई, और ये टाइप सी हुई आ गया। अरे यार भाई, हमें पता ही नहीं है यार, है ना, मतलब कि कभी जरूरत ना पड़े ना, जो है हमारे पास उसका यूज करते हैं। और भाई ये है स्पीकर लाए हैं दो बच्चा। अरे बाप रे, ये इतने सारे कहां से ले आई, मतलब तीन तीन। अरे एक ले आते बॉस, 1, 2, 3 और 2 मॉड्यूल। क्या करके छोड़ोगे बच्चा, मतलब एक पर भरोसा नहीं था इतनी सारी ले, खराब निकल जाए। खराब निकल जाए? अरे यार, लगता है इस भैया जो है ना, ये मेड इन चाइना माल को ज्यादा सीरियस ले लिया है। तो ये काफी बड़ा है, तो इसे हम तोड़ देते हैं। तोड़ जाएगा ये, इसे ना भी तोड़ के तो कौन सा बता गई, दो बराबर है। ये है भैया लोकल मार्केट से लोकल स्पीकर। और गाइस इसमें दो कमी है भाई, ये जो स्पीकर है, एक तो ये सादा पर्दे का लिया, तो बारीक आवाज ज्यादा देगा, मतलब बेस ये कम देगा, आवाज तो अच्छी देगा, ये क्लियर आवाज देगा बिल्कुल, लेकिन ये बेस जानते हो क्या होती है, धमक, बेस धू। दूसरी बात है भैया, ये लिया है बच्चा, ये है 10 वाट का स्पीकर, जबकि ये जो ये है ये आई थिंक 3+3 वाट की है। खैर गाइस, जब बच्चा पार्टी हमारे पास आए हैं तो गाइस हम जरूर इनकी हेल्प करेंगे, ये हमारी हेल्प करेंगे। आज बच्चा देखो, आज अभी इधर को आ जाओ भाई, आज मैं बच्चा पार्टी को ना सोल्डरिंग करना सिखाते अच्छी तरीके से, भाई क्या कमी रह जाती है। देखो भाई छोरे, बहुत ईजी है यार, करना कुछ नहीं है, चलो कोई सी ले लेते हैं। चलो ये तो तुमने यूज कर ली भाई, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो गर्म हो रहा, ऐसे यूज मत करो, खड़ा देखो टेढ़ा यूज कर लो, इन्हें लग गया। पहले सबसे पहले में टांके लगा लो, लग गई टांके आराम से, पहले तो ऐसी कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टांग लगे तब दिक्कत आएगी भाई। अभी इनके साउंड भी सुनेंगे, बहुत साउंड कैसे हैं। लो भाई, लो फज भाई, बच्चे के पास वायर नहीं है। तो भाई हमारे पास बहुत सारे वायर हैं गाइस, कटिंग होती रहती है। अब देखो भाई, इतने वायर है मैंने फेंक दूंगा कूड़े में, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाई साहब ई वेस्ट, जो वेस्ट है वो ज्यादा क्रिएट होगा। अगर पूरी दुनिया का इसे सोच ले तो भाई इतना ज्यादा कूड़ा कबाड़ा नहीं होगा। एक डिब्बे गच्चा डिब्बा रखा नहीं खाली, उसमें हाँ लिया हो जाओ तुम्हें ज्यादा। फौज भाई बाबा कह रहे हैं कि भाई डब्बा लियाओ, डब्बा लियाओ, मैं कल लियाओ, तुम छोड़ो तुम कर लो पहले। देखो भाई सबसे पहले जो ना इनको भी टांगे लगाते हैं, देखो इन पे छोटे छोटे। देखो तुम्हारे पास कौन सा सोल्डर वायर है, ये वाला मोटा वाला, देखो ये वाली कंपनी होगी, ये वाली भाई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है तो यूज कर ले, इसके अंदर ही फ्लक्स होता है, ये वाला लगा इसकी जरूरत ना पड़ती है। लेकिन अगर तुम ऐसा ना लाओगे ना मिला का, तो फिर तुम ऐसे लगा सकते हो, तुमसे अगर ना हो रहा ना सोल्डिंग तो पहले से लगा लो, ठीक है। अब चलो तुम टांगे लगाओ। अरे बहुत बढ़िया, बस 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 लग गया। अरे लग तो गया यार, अब कैसा आ गया, वाह क्या मुस्कुराहट है गाइस। लड़की की लगता है शायद है ना वाली, लड़का जाती है काफी ज्यादा ही शर्मिला है। सोल्डिंग आ रहा है ना, इसे पट मत लगाओ, मोटा थोड़ा खड़ा करके लगा लो, किनारा मिल जाएगा ना। लगाओ कौन सा लगाए, ये पीले लगाया ना भाई, सारे सोल्डिंग ये लड़का ही करेगा आज, झाड़ लगाओ बाबा इसे, थोड़ा खा जाए। देखो तो भाई बच्चे ने बहुत अच्छी सोल्डिंग की है गाइस, मुबारक हो, लड्डू आपको मिल जाएंगे भाई साहब। चल झूठा। और फौज भाई क्या कमाल पानी लिया है, फौज भाई लाए हैं भैया डिब्बे पंचाक गोकरू का, ये किसके लिए लिया है भाई, फौज भाई फेंको इधर पहले, कोई ये बीमार बीमार ना आया कोई। चलो भाई साहब बहुत बड़े घर लड़के ने, डिब्बा सिब्बा रहने दो तुम फौज भाई, अभी मेंची तो ये बच्चा खुद ही बनाएगा। कैसे करना, पहले टांके लगाने। अब देखो भाई पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव होता है, देख ली थी वीडियो, ये लड़का बहुत होशियार है भाई, 9 बजती लड़का वीडियो देखता है पहले व्लॉग की, आज ही गाइस अपनी ही वीडियो देखेगा भाई व्लॉग में, ये भैया अपनी ही वीडियो देखेगा आज। देखो भाई साहब ये है लोकल स्पीकर, और भाई इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का अता पता लापता नहीं है, निशानी नहीं है, मार्क ही नहीं है इसमें। हाँ देखो भाई स्पीकर बाहर आ रहा, तो कहाँ है नहीं आ रहा, जमर आएगा, देखो आ रहा, तो ये स्पीकर यानी कि ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। अगर मैं उल्टा लगाता हूँ स्पीकर के बाहर तो कहाँ होगा, देखो भाई अंदर जा रहा है, ठीक है अंदर नहीं जाना चाहिए गाइस, बाहर जाना चाहिए। तो भाई फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे लगाते हैं भैया पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ लगाते हैं नेगेटिव, जिससे गाइस आगे तक हमारे याद रहे। तो भाई ये है मोटी मोटी बातें, और इस पर भी नेगेटिव पॉजिटिव है बॉस, कैसे करना है वही इधर से लगा लो इस तरीके से, देखो क्या मस्त होल्डिंग होगी। हेलो आ बॉस, ये रहा पॉजिटिव, और भाई ये रहा इसका नेगेटिव, ले भाई साहब चलो बच्चा पार्टी। और गाइस भैया करेंगे बाकी कनेक्शन, बैठो इस पर कुर्सी पर आराम से इधर को, और भाई सारे कनेक्शन गाइस ये बच्चा करेगा, और मैं गाइस आराम से मौज लूंगा, बैठ जाओ भाई।
तो भाई लड़का करेगा काम, लड़का बनेगा नागिन। अबे साले लड़का नाग बनेगा। चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, ये रहे वायर, ये रहा ब्लूटूथ मॉड्यूल। बच्चा गाइस काम कर रहा है और देखो देखते हैं क्या करता है बच्चा। पार्टी है, ज्यादा एक्स्ट्रा वायर नहीं छीन लेगा कट करने का, वरना वो अड़ेगा बिना बात की। और ये बच्चा किस तरीके से कर रहा है। आज है कैमरामैन समर और वाह लड़का काफी अच्छे कनेक्शन कर रहा है। एक दिन भाई तुम जरूर ठेले वाले, ओ सॉरी क्या कह मैं, वो केले वाले, नहीं नहीं गलत हो गया, गलत हो भाई। हाँ तो क्या हो गया, लड़का ठेकेदार बन सकता है, ठेले किराए पे देगा ये बंदा, तो ठेकेदार हो गया ना। चलो भाई थोड़ा फास्ट वे में देखते हैं। हेल्पिंग हैंड की जरूरत है बस तुम्हें, एक काम करो इसमें लगा लो दो पैसे। भैया वायरिंग आप देख सकते हो, लड़के ने काफी मस्त करी है। कितने दिन तक फौज भाई से भी करवा दूं मैं? नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ये है फ्यूचर के इंजीनियर साहब। कौन सी क्लास पढ़ रहा बच्चा पार्टी? फोर्थ। अरे भाई ये लोगो ये फोर्थ में है बालक, और गाइस ये चौदह वाले काम कर रहा है। यानी कि गाइस चौदहवीं क्लास कौन सी होगी, बी ए सेकंड ईयर हो गई या बी एस सी सेकंड क्लास हो गई या चौदहवीं क्लास से कहते हैं। बच्चे ने भी एक कमी की है, वो कमी मैं बच्चे को बाद बताऊंगा। और प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चे ने क्या कमी करी है। अभी मैं उस चीज को मैंने करता हूँ फिर भाई ने करी है, वो बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि क्या कमी हो गई ऐसी। वैसे ठीक चल रहा है, चल जाएगा जी बात ना, आवाज में आ जाएगी बढ़िया, चल जाएगा ये तो नहीं बच गया। और बच्चे पार्टी के पास आते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई बच्चा, काम चल रहा है कार्य प्रगति पर है। क्या हुआ का हुई? ओहो बैठे काम नहीं हो पा रहा, बच्चा काफी सीरियस है गाइस। व्हाट्स योर एज? माय एज इज 11। बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट है? डॉन बनना मुझे, मैथ। अरे बाप रे मैथ में, अरे भाई मैं तो बहुत कमजोर हूँ, दो और तो पांच कर देता हूँ। अब गाइस थोड़ा फास्ट में देख लेते हैं क्योंकि गाइस काफी ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। हाँ तो भाई बच्चे पढ़ने सारे कनेक्शन कर दिए गाइस, ये रहा भैया स्पीकर के दोनों कनेक्शन कंप्लीट। अब किसका रह गया, बैटरी के? बस भाई बैटरी के कनेक्शन रह गए हैं। और भाई साहब मुझे इन पर हैरत आ रही है गाइस, 10 रुपए का मिलेगा, लोकल मार्केट में लेकर आना पड़ेगा। मैं काफी सारे मॉडल लूंगा इस माइक्रो यूएसबी वाले, और बच्चा जाकर 10 रुपए के लेकर आ गया। और बैटरी कौन सी तुम्हारे पास? 3.7 वोल्ट। भाई फौजी भाई बैटरी कहाँ लौटेगी, लाए थे बैटरी? बैटरी कहाँ है? बैटरी तो रख तो ना दी। मैं भैया फौजी भाई बहुत अजीब अगर बात है भाई, ये बैटरी रख लेते हैं अपने पास। अरे कोई सी बैटरी दे दो बच्चे को, चलो ये वाली दे दो, पता नहीं कैसे चार्ज है ना है, चार्ज होगी जब से टांके लगा रखे थे वैसे मैंने। भाई देखते हैं चलता है नहीं चलता है। नेगेटिव पॉइंट ध्यान से देख लेते, अगर वो ध्यान से देखे तो गाइस एक जलने की बदबू आती है, अजीबो करिए। फोर्थ क्लास के हिसाब से काफ़ी अच्छी सोल्डिंग सीख गए भैया प्रैक्टिकली। और ये कह रहे थे भाई ये तार मिल जाते हैं, 2 पॉइंट मिल जाते हैं, इस बार एक पॉइंट नहीं मिला। देखो ऐसे मत करो सोल्डर को, ऐसे उस पर लगाओ, लगाए रखो बस हटा लो, जब ये गर्म होगा ना तभी तो मेल्ट होगा, जब तो चिपकेगा। हो गया, चलो लगाओ उसका भी, आवाज़ नहीं आई। बैटरी ठीक है फौजी भाई, दूसरी बार वो लाओ मल्टीमीटर। तो भाई ये नहीं चला है तो इस गाइस पहले हम बैटरी चेक करते हैं, बैटरी दूसरी लाओ, बैटरी डाउन है। चलो ये ले लो हटाओ, कुछ गड़बड़ है भाई, ये वायर गर्म हो रहे हैं तो लगा इस कुछ शॉर्टिंग है। देखो ज्यादा एक्स्ट्रा वायर छीलते हैं ना, तो देखो इस पर आ रहा है, ज्यादा एक्स्ट्रा वायर नहीं छीन लेगा। और यहाँ तुमने एक गड़बड़ करी, मुझे लगे नेगेटिव में पॉजिटिव और पॉजिटिव में नेगेटिव लगा देंगे। लेट्स ट्राई गाइस, ये है पॉजिटिव। चल गया ये बच्चा, तुम होशियार हो, लाओ 500 रुपए। तो भाई चल गया गाइस, कोई गाना चला के देखा जाए, लेट्स पार्टी। देखो भाई तुमने कनेक्शन करे बच्चे सारे, बस तार तो तुमने कनेक्शन ठीक करे, लेकिन थोड़ा ध्यान रखे तो एक्स्ट्रा वायर नहीं छीनने का। मैं गाइस काफी बेताब हूँ, बेताब आलम रहने दो भाई, गाना सुनाऊंगा गाइस आपको, आज बेहोश हो जाओगे मेरी आवाज सुनकर। ओह माय गॉड सबसे नीचे आ गया है, 3.0 है बच्चा, ये पैर दो। हाँ मैंने से अपना एक पैर दिया गया जब जाके चालू हुआ है। तो भाई कौन सा गाना बजाया जाए, ये वाला जो हम बजाते हैं बाद। देखो बॉस दोनों चल रहे हैं, देखो
चल रहा और कैसे पता लगे तार डालते हैं ठीक है और ठीक है क्या कमी लगी बेस क्या मिलेगी ना आवाज बढ़ाते इसमें गाइस बेस फटी फटी सी आ रही है ना सारा मूड खराब हो गया साउंड सुन के लेकिन बॉस एक कमी बच्चे ने और करी है कि भाई चांस हबिंग की आवाज आती है तो गाइस बीच का वायर नहीं जोड़ने का इसका मैं बार बताता हूँ उसका जो बीच का वायर है ना ये सतकन आती इसे काट दो लेफ्ट राइट में जो बीच वाला वायर है हबिंग की आवाज अब नहीं आएगी वैसे भी देखो बॉस एक तो बात देखो भाई अभी ये बॉक्स के अंदर नहीं है बॉक्स के अंदर होंगे तो इनकी आवाज अच्छी आएगी और बेहतर और जो सिंपल सादा कोन है ना स्पीकर के पर्दे जो होते हैं ना भाई ये सबसे बेस्ट होते हैं वैसे देखा जाए तो ऐसा होता है गाइस ये कमवर्ट की एक क्लास डी की एम्पलीफायर बोर्ड है तो भाई ये बूफर में काफी अच्छा मतलब साउंड देती है जो बात है तो भाई ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे ने बना लिया है और बस बच्चा पार्टी भागे चले जाओ हाँ तो मैं स्विच वो लगाता हूँ ठीक है तो ठीक है तो भाई अभी मैं इस पर जोड़ रहा हूँ जिससे कि बच्चा अपना आप करेक्शन कर ले हाँ आवाज ठीक है लेकिन आवाज बच्चा इसलिए अजीब लग रही है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर नहीं है बॉक्स के अंदर डालने पर की आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी बेस हल्की रहेगी लेकिन आवाज अच्छी रहेगी तो इस बच्चे ने अपना बना लिया गाइस आप भी बना सकते हो मेरे पास भाई जितने बच्चे आते हैं ना उनकी यही कंप्लेंट रहती है गाइस जो कंप्लेंट मेरी रहती थी लोकल मार्केट में सामान नहीं मिलता और गाइस ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है मेरी ये प्रॉब्लम आज भी है मैं दिल्ली से जाकर सामान लेकर आता हूँ कुछ सामान मिलता है लोकल मार्केट में कुछ नहीं मिलता तो भाई मेरे को दिल्ली से लाना पड़ता है एक दिक्कत तो सामान की है दूसरी दिक्कत क्या आती है सोल्डिंग नहीं होती थी पहले अब हो गई चलो भाई सोल्डिंग नहीं होती थी पहले अब हो गई तो भैया यही व्लॉग का एंड करते हैं फाइनल गाइस गाने बज गए हैं और गाइस स्टार्टिंग आपको बताऊं ना पक्का भाई कमी करनी जरूरी है देखो भाई परफेक्ट कोई नहीं होता गलतियों से इंसान सीखता है और गाइस जब तक तो वो करेगा नहीं वो गलती नहीं करेगा गलती नहीं करेगा वो सीख करेगा और भाई ये लड़का झोला उठा के जा रहा है लेकिन गाइस लड़का गरीब नहीं गाइस लड़के के पास बहुत पैसे हैं वो मोदी जी का डायलॉग है हम तो गरीब आदमी झोला उठा कर चल देंगे लेकिन गाइस हम अमीर आदमी है झोला हमारे पास भी है हम भी यूज करते हैं अरे बस भाई ताल लगा के जाओगे क्या चलो बच्चा पार्टी ठीक है बॉस थैंक यू सो मच टाटा कर देते हैं बाय बाय बच्चा काफी खुश लग रहा है जाओ बेटा।